हाइड्रोजन बम और एटम बम दोनों ही प्रकार की नाभिकीय बम हैं, लेकिन उनमें अंतर होता है। एटम बम में नाभिकीय धमाके का कारण यह होता है कि अणु या उसके नाभिकीय तत्व को विच्छेदित कर दिया जाता है जो धमाके के साथ साथ निर्मित होते हैं। हाइड्रोजन बम या थर्मोन्यूक्लियर बम में प्राथमिक धमाके का कारण अणु विघटित होते हैं और फिर इस धमाके को उत्तेजित करने के लिए एक नाभिकीय बम का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार हाइड्रोजन बम दो सीधी धमाके का प्रयोग करता है। एटम बम में नाभिकीय धमाके की ऊर्जा अणु विघटन के प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन बम में प्राथमिक धमाके की ऊर्जा अणु विघटन से उत्पन्न होती है और उस ऊर्जा को थर्मल उत्तेजन या उच्च तापमान वाले परिसंवेदकों के माध्यम से दूसरे धमाके को उत्तेजित करने के लिए उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन बम, जिसे थर्मोन्यूक्लियर बम भी कहा जाता है, एक अत्यंत प्रभावशाली प्रकार की नाभिकीय बम है जो अधिक प्रभावशाली और अत्यधिक विनाशकारी होती है। एटम बम की असर कुछ कम होती है, जबकि हाइड्रोजन बम की असर अधिक और विनाशकारी होती है।